हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जाने। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुहिम जुई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। सिपा सालार का भारत को दो टोक पैगाम, कंट्रोल लाइन और वर्किंग बाउंड्री का दौरा। जनरल कमर जावेद बाजवा की शहरियों के लिए मजीद हिफाजती शेल्टर्स बनाने की हिदायत। सियालकोट में जख्मियों की अयादत, वजीर दिफा की भी अगले मोर्चों पर जवानों से मुलाकात। जमहूरियत को फौज से खतरा नहीं, नहीं चाहते ऐसा वक्त आए कि आर्मी चीफ इंतखाबात का ऐलान करें। भारत मुल्क में अदम इस्तेहकाम का फायदा उठाने की कोशिश करता है। हक्कानी नेटवर्क की मुनज़िम पनागाह नहीं, दहशतगर्द अफगानिस्तान चले गए। DGISPR की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। बड़े भाई के बाद छोटे का नंबर, आशियाना हाउसिंग स्कीम स्कैंडल की तहकीकात। शहबाज शरीफ की बगैर प्रोटोकॉल नैब ऑफिस लाहौर में पेशी। 1.5 घंटा पूछगछ, 3 सवालों के तफसीली जवाब दिए, मजीद हुकाम की तलबी का इम्कान। ये इस तरह का संगीन मजाक होगा और इस तरह एहतसाब का जो बाजार गर्म होगा कि एहतसाब के नाम पर सियासत होगी। ये तो मुझे झूठ की बुनियाद पर अच्छाई पे बुलाया, सच की बुनियाद पर आपने जरदारी साहब को बुलाया। एहतसाब के नाम पर सियासत नामंजूर, आशियाना हाउसिंग स्कीम में घर मेरिट पर दिए। जावेद इकबाल शौक से 56 कंपनियों का रिकॉर्ड देख लें, सवाल किए तो हुकाम खामोश हो गए। वजीर आला पंजाब की तनकीद। महाकलाकार हैं ये, ख्वाजा आसिफ में बैंक में क्लर्क था, मुशाहिदुल्ला लोडर का काम करता था, इसहाक डार जिसके वालिद साहब की पान की और साइकिलों की दुकान थी, साद रफीक वैगने रोक के उनसे 25-25 रुपया भत्ता लेता था। शहबाज शरीफ तलबी पर नैब को धमकियां लगा रहे हैं। नवाज लीग को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया गया, 14 करोड़ रुपए अकाउंट में मुंतकिल किए गए, फवाद चौधरी का दावा। फ्लैट रेफरेंस, नैब नए शवाहिद के साथ इन एक्शन। शरीफ फैमिली के खिलाफ जिमनी रेफरेंस दायर, पैनमा JIT सरबराह के करीबी रिश्तेदार समेत 7 नए गवाहान शामिल। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब की तकरीरी में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट बरहम, सेक्रेटरी कानून की तलबी, हुकूमत से कल तक जवाब तलब। सदर मुमलिकत के पास एडवाइस मुस्तरद करने का इख्तियार नहीं था, चीफ जस्टिस के रिमार्क। गए होश, राव अनवार रूपोश, किसी को पकड़ा ना पकड़वाया, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट का यूटर्न। कंपनियों के समितियों के सामने पेश होने से इनकार, तावन ना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी, पुलिस हुकाम का ऐलान। नकीब को कराची में चैपल गार्डन के सामने होटल से पकड़ा गया। सच्चल थाने के चौकी इंचार्ज ने 4 लाख रुपए जेब से निकाले, जाली मुकाबले की कड़ियां मिलने लगी। राव अनवार के लिए भत्ते और जमीनों पर कब्जे का धंधा करने वाला नाज मीर गिरफ्तार। मक्तूल नकीब के वर्सा की शहरे कायद आमद, बेटा अम पसंद और मुहिब्बे वतन था, वालिद की गुफ्तगू। इंसाफ ना मिला तो हर आईनी रास्ता इख्तियार करेंगे, जिरगे का ऐलान। जाली मुकाबले के खिलाफ जामिया कराची में भी एहतजाज।
ऐसी अदालत जहाँ पे राव अनवर जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ पे इंसाफ नहीं मिलता, तो फिर आम इंसान को वहाँ पे क्यों रिगड़ा जाता है? जब एविडेंस नहीं है, बगैर एविडेंस के यू हैव नो राइट टू किल एनीवन। नकीब महसूद के कत्ल का मामला सिंध हाई कोर्ट में भी पहुंच गया। राव अनवर, आईजी और सेक्रेटरी दाखिला 20 फरवरी को तलब। कराची में इंतजार कत्ल केस की तहकीकात सीटीडी के सुपुर्द, गोलियां अहलकारों ने चलाई। एसएसपी मुकद्दस हैदर के दो गार्ड्स की मौजूदगी ने मामला मशकूक बना दिया। मदीहा के मोबाइल फोन रابطوں की भी इंक्वायरी हो रही है। डीआईजी साउथ की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। फेस्टिवल रुकवाने पर दू बदू लड़ाई। पंजाब यूनिवर्सिटी में डंडे बरदार तलबा की धमा चौकड़ी, एक दूसरे पर पथराव, कई जख्मी। पुलिस वैन पर धावा, मुजाहिरीन को रोकने के लिए अहलकारों की शैलिंग। यूनिवर्सिटी इंतजामिया मामला हल नहीं कर सकती तो गड़बड़ करने वालों के नाम दे, हुकूमत मुकदमा दर्ज कराएगी। राणा सनाउला बरहम, ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया। वाइस चांसलर की सख्त एक्शन की यकीन दहानी। ताखीर से आने पर डांट डपट का गुस्सा, शब कदर में तालिब इल्म ने फायरिंग करके कॉलेज प्रिंसिपल को कत्ल कर दिया, मुलजिम गिरफ्तार। ऐसी पार्टी को मनायल करे और पार्टी पूरी पार्टी पे पाबंदी लगा दे। मैं तो कहता हूँ इसका मेंटली, इसका मेडिकली थोड़ा चेकअप होना चाहिए, आया इसका दिमागी तौर के ये बंदा सही है कि नहीं है सही। जितने भी इस मुल्क के बनाने वाले लोग थे उन सब की रूह तड़प रही है और वो कब्र से उन पे लानते भेज रहे हैं। मैं इसकी लानत के बदले में इसको 1 करोड़ 20 करोड़ लानते देता हूँ। कप्तान के बयान पर सिंध के ऐवान में तूफान, इमरान खान और शेख रशीद के खिलाफ मुजम्मती करारदाद मंजूर। पीटीआई वालों का शोर शराबा, निसार खोड़ों का पैगाम, वसूल करने वाली शख्सियत को पैगाम। मैं क्या, सारा मुल्क कह रहा है कि जिसने लानत दी उसको दी जाए वापस, जिसके लिए वो उन्होंने पैगाम भेजा है ना उसको भी मैं कह रहा हूँ, खुदा के वास्ते सोच के हाँ कहना, खुदा के वास्ते सोच के हाँ कहना, ये जाना पहचाना है। लानत भेजने वाले को लानतिया कहते हैं। नून लीग की इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ चलाएंगे, शहबाज शरीफ या किसी और की तस्वीर पर वोट नहीं मिलेगा, वजीर आजम ने बता दिया। अदलिया की निगरानी का तरीकाकार वजह करने की हिमायत। वोट का तकद्दुस, अदल की बहाली, आवाम का जुड़ जाना, अपनी नोयत की पहली मिसाल, अभी शुरुआत, समझने वालों के लिए निशानियां हैं, मरियम नवाज का ट्वीट। बैरून मुल्क से ममनुआ फंडिंग नहीं ली, दरख्वास्त गुजार के अपने हाथ साफ नहीं हैं। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में जवाब जमा करा दिया, 10 साल के अकाउंट्स की तफसीलात भी पेश। आठ लाख के करीब केसेस पड़े हुए हैं पेंडिंग में और वो अभी नहीं हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, गवर्नेंस ही कहते हैं ना। अगर आप अपने आप को तो पहले ठीक करें, अपने अदालत को ठीक कर लें, फिर दूसरों को भी ठीक करने की आपको इजाजत है, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अदालतें किस लिए होती है, इंसाफ करने के लिए होती है, मगर अदालतें रूल करने के लिए। ऑपोजिशन लीडर का चीफ जस्टिस को मशवरा, पीटीआई के इस्तीफों से निजाम डीरेल नहीं होने देंगे। राव अनवर तहकीकात में पेश न हुए तो जुडिशियल इंक्वायरी होगी, खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। इत्तेहाद में दरार, जमात इस्लामी ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अलहदगी के लिए परतोल लिए, 5 साल मजे लूटते रहे। मजलिस अमल ने पहले भी लोगों को धोखा दिया, शौकत यूसुफ जई ने मौलाना समीउल हक से उम्मीद लगा ली। ये आटे का ये हाल जो है वो हो जाता है, इसको गूंदने के बाद में जब इसको गूंदा जाता है तो फिर इसका हाल जो है ये रबड़ की तरह जो है वो हो जाता है। चेकिंग का काम तो केएमसी के पास भी है। आटा खरीदने वालों का घाटा, कराची में नाकिस आटे की फरोख्त का सिंध असेंबली में चर्चा।
कसूर में जुलाई से अब तक 6 बच्चियों के साथ ज्यादती, मुजरिम एक गिरफ्तारी में कई माह लग सकते हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ने सेनेट कमेटी को साफ साफ बता दिया, इजलास में जिम्मेदार को फांसी देने की करारदाद मंजूर। पिछला गैप है जब बच्ची गुम हुई है जब हमारी वो गैप वो मेरी तकलीफ है, उस वक्त जो एफर्ट ना वो नहीं मिल सकी, उन्होंने लाके कॉटन ऑफ नहीं किया, सील नहीं किया। जैनब को कब इंसाफ मिलेगा? वालदैन पुलिस से बदजन, एहलकार आते थे किन्नू खाते थे और चाय पीकर चले जाते थे, वालिद की दुहाई, क्या मुल्जिम हवाई मखलूक थी जो बेटी को मारकर फेंक गया? वालदा का सवाल। मर्दान की नन्नी आसमा का कातिल कौन पकड़ेगा? जिला काउंसिल के इजलास में पीटीआई रहनुमा आपस में उलझ पड़े, इंतजामिया मुलजिम की गिरफ्तारी के बजाय करप्शन कर रही है, वाजिद अली का इल्जाम। लाड़काना में गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की 600 सादा बुक्स गायब, स्मगल शुदा गाड़ी मालकान को नवाजने का खदशा, मोटर व्हीकल रजिस्ट्रेशन के 2 अफसर मुअत्तल। मुज़ाकरात नाकाम, ऑयल टैंकर्स ओनर्स एसोसिएशन ने पीएसओ से पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी बंद कर दी। तैयब उर्दबान के लिए मसले खड़े होने लगे, शाम के कुर्दों ने तुर्की के खिलाफ अमेरिका से मदद मांग ली, फ्रांस ने सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। अमेरिकी हुकूमत का शटडाउन तीसरे रोज में दाखिल, आरजी अखराजात के बिल पर वोटिंग आज होगी। भारतीय हुकाम के गुरुद्वारों में दाखिले पर पाबंदी की आलमी मुहिम, तालीमात मस्क करने की कोशिश और इंतहा पसंदों की सरपरस्ती नामंजूर, ग्लोबल सिख ऑर्गेनाइजेशन मैदान में आ गई। क्वेटा और कला यूसुफुल्ला समेत कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी, लोग खुशी से झूम उठे, कराची में सर्दी बढ़ने का इम्कान। DGISPR का कहना है कि जमहूरियत को फौज से खतरा नहीं है, उन्होंने कहा कि नहीं चाहते ऐसा वक्त आए कि आर्मी चीफ इंतखाबात का ऐलान करें। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि भारत मुल्क में अदम इस्तेहकाम का फायदा उठाने की कोशिश करता है। DGISPR ने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क की मुनज़्ज़िम पनागा नहीं, दहशतगर्द अफगानिस्तान चले गए, भारत मुल्क में अदम इस्तेहकाम का फायदा उठाने की कोशिश करता है। और ये भी कहा मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कि नहीं चाहते ऐसा वक्त आए कि आर्मी चीफ इंतखाबात का ऐलान करें। DGISPR ने मजीद क्या कहा, ये सुनते हैं। आर्मी चीफ इलेक्शन की गारंटी के टाइम पे होंगे कैसे दे सकते हैं? सेनेट के इलेक्शन गवर्नमेंट ने और इलेक्शन कमीशन ने और सबने सारे कराने हैं, आर्मी का इसमें क्या रोल है? आर्मी चीफ इलेक्शन कब अनाउंस करते हैं? तो दैट वी डोंट रीच दैट स्टेज कम्स। सही, मुल्क में जमहूरियत चलना जरूरी है और जमहूरियत को जो है वो हमारे से कोई खतरा नहीं है, तो अवाम के लिए तो जो भी करना पड़ेगा, स्टेट का इंस्ट्रूमेंट है हम और इसी अवाम की फौज है, तो उनकी बेहतरी के लिए तो हर चीज करेंगे। बाकी विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो भी ऑर्डर मिलेगा आर्मी को विद रिगार्ड टू इलेक्शंस, दैट विल बी इंप्लीमेंटेड और दिस विल बी डिसाइडेड व्हेन इट कम्स। और अब वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।